हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तुझे तेरे किसी बड़े की कसम है, तेरे अंदर हिम्मत है तो लगा मियां जी को हथकड़ी, वर्दी समेत चीर दूंगा। अपने किसी बंदे से कह गोली चलाए मुझ पर, वरना मैंने तेरी खोपड़ी पार देनी है। इधर लेके आ इसको, चल। तुम लोग बच्चे हो, अपनी अपनी बंदूकें रख के बैठ जाओ। नहीं पाड़ता खोपड़ी, बैठ नीचे जमीन पर। ओ बैठ बैठ। अब सच्चे दिल से दुआ कर, मिनिस्टर साहब की तरफ से फोन आए और तुझे हुक्म मिले कि तू वापस आ जा, वरना 15 मिनट बाद मैंने चांदी के वर्क मंगवा लेने। सुन लो, सुन। हेलो जी सर, अभी वही हूं सर। और ये भी बता कि किस हाल में है। जी सर, राइट सर, वापसी का फोन है मियाँ जी। पूरा नाम? मियाँ जी वारस अली। पक्का पानी याद करके रख, कहाँ से आया? टिब्बी से, रात ही पोस्टिंग हुई है मेरी। सरकार की ड्यूटी कर पुत्री, मिनिस्टरों की नौकरी ना कर। चल हटा पिस्तौल इसके सर से, यहां बैठ मेरे पास। ये काला रंग बड़ा मुकद्दस रंग है पुत्री, नबी पाक की कमली का रंग। इस रंग की अकीदत न गुवाओ, इसे पहनकर किसी को न डराओ। जा जी। परी बैकर कहाँ है? खैरियत के साथ है, महफूज। दादू टैक्सी वाले को मार दिया उसने? नहीं,
उसने नहीं मारा, वो तो अभी उसे ढूंढ ही रहा था। शायद उसके ढूंढने का सुन के मर गया। अल्लाह बख्शे, मर गया। पुलिस गई। आई क्यों थी? दादू टैक्सी वाले का मर्डर हो गया। मर्डर हो गया? वो पहुंच गया मुझसे पहले। कौन? बताऊंगा तुझे, अभी नाश्ता करने दे, सोरों की भूख लग गई है। सुन, तूने नहीं मारा तो पर्चा तेरे नाम क्यों है? अब तो शहर में कुत्ता भी मरेगा तो पर्चा मेरे नाम कटेगा मेरे बादशाह। तू फिक्र ना कर, नाश्ता कर, मुझे भी नाश्ता करने दे। हेलो, शेख फरमान बोल रहा हूँ। उठ गए हो? ओ, उठ गया हूँ जनाब। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है शेख फरमान साहब? मैंने कहा मुबारक हो आपको। जनाब किस बात की मुबारक है जी? वो परी पैकर गया। परी पैकर गया? कहाँ गया? नानी के मोहल्ले में, खाला के घर, मामू के पास। आसान किस्तों में समझाएं जनाब, मेरा मतलब है आसान लफ्जों में समझाएं। ओ, उसने दादू टैक्सी वाले का मर्डर कर दिया। हाँ जी, बड़ी पुलिस आई थी सवेरे मोहल्ले में, बस निकल गया, लेकिन जाएगा कहाँ? ये बताने के लिए फोन किया आपने? हाँ, यही बताने के लिए फोन किया, बल्कि ये भी बताने के लिए फोन किया कि अब वो मोहल्ले में नहीं आएगा। पक्का पर्चा हुआ है, जमानत भी नहीं होनी उसकी। तो क्या, बस आधी रात को बारात लेके आ जा, ज्यादा खप डालने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपना जहीर बेटा और दो कबाब बस। तो फिर आ जाओ दोपहर को, तारीख रख ले। ले, आने की क्या जरूरत है, बस अभी रख दे फोन पर। हाँ हाँ, फोन पर। पर वो भाभी, मेरा मतलब है आपकी भाभी, मेरी भाभी। और तुम साथ ले आना, तुम्हारे आने पे मैं इत्तला करूंगा, बताऊंगा इनको, ठीक है? तो फिर रख दे कल रात। ओए, कल की रात क्यों, आज की रात। आजा। ठीक है, यानी आज रात। ओ आप लुबना जी, मैंने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अंदर आ सकते हो? आइए ना। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। तुम बहुत गुस्से में थी, गुस्से में तुमने वो सारे हक मांग लिए जो मेरे पास कभी भी ना थे। और मैंने भी वो सारे हक खुशी खुशी तुम्हें दे दिए कि चलो मेरे बाप का क्या जाता है। जब वो सारे हक ले लिए तो बताओ उन्हें इस्तेमाल कब करोगी? जब वो सचमुच मार डालेगा किसी को। क्या हुआ? भई मोहल्ले में सीटियां नहीं मारते किसी रैफली के बच्चे। ओए साजन इधर आ। कामी कहाँ है? क्या खैर तो है ना? खैर है, किधर है कामी? कामी वो आ क्या? तुझे बुलाया उसने? कहाँ है वो? मेरी तरफ, मेरे घर पे। तो चल मैं आता हूँ। अभी बुलाया तुझे? अरे अभी अभी ना कर, पहले मुझे चेक तो करने दे। मैं इसलिए आया हूँ, मैं चेक करूँगा, तू जाकर मिल उससे। जिस रास्ते पर वो जा रहा है ना जाने दें उसको। जिद करे तो हाथ पकड़कर रोक लें उसको। हाथ पकड़कर? हाँ। अखबार पढ़ेंगे आप? नहीं। चाय लाऊं? नहीं पीनी। कुछ देर आराम कर लें आप। आज सुबह जल्दी उठ गई थी। तुमने सुना तूबा ने क्या कहा? सुना। क्या मतलब था उसका? लगता है उसे शक हो गया। शक तो मुझे भी था। आपकी बातों से लगता है परी पैकर को याद करते हुए आप ये भूल जाती हैं कि आप सुबह की मुशीर हैं। मैं याद करती हूँ? शायद ना करती हूँ।
लेकिन लेकिन अक्सर आपके चेहरे पर उसकी सूरत रखी हुई दिखाई देती है, खासतौर पर उस दिन जिस दिन आप उसे देख लेती हैं। दूसरों को तो शायद पता नहीं चलता, लेकिन परी पैकेट जिनका है उनको तो साफ पता चलता है। तुम हमेशा इसी तरह की बकवास करती हो, किसी न किसी तरह जोड़ना चाहती हो परी पैकर नाम के खुंडे के साथ मेरा नाम। ऐसा हो सकता है कभी मेरे दिल में कोई ऐसी बात आ गई हो, लेकिन ये तो हर लड़की के साथ होता है। चूज एंड पिक में कई नाम लिखे जाते हैं और कई लिखकर मिटा दिए जाते हैं। इसलिए बहुत आसान था एक दिन परी पैकर को चुन लेना और ये कह देना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो फिर क्यों नहीं कहा मैंने? चोर अगर रंगे हाथों पकड़ा ना जाए तो बहुत देर तक झूठ बोलता रहता है। कभी कभार 15 साल तक और कभी 15 साल से भी ज्यादा। Will you shut up? गुजर गया वो वक्त जब आपके लिए आसान था एक दिन परी पैकर को चुन लेना और कह देना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब वो तूबा की जेब का सिक्का है, आपकी हट्टी पे नहीं चलेगा। आप बस बैठकर ये सोचें कौन रोकेगा उसे। मैं तो नहीं रोकूंगी उसे। ठीक है, अरेस्ट होने दीजिए उसे, फिर बैठकर सोचेंगी आप कि झूठ मूठ के साबित करने में आपने परी पैकर गवा दिया। और परी पैकर ने अपने आप को, अगर इजाजत है तो मैं 2 घंटे सो जाऊं या फिर आपको नाश्ता बना कर दे दो। अपने लिए ना सही, तूबा की खातिर रोकिए उसे। परी पैकर से बहुत प्यार करती है वो, इतना कि पता करो ये एसपी क्यों आया है। खतरे की कोई बात नहीं, बूट उतार कर गया ऊपर। सर बैठेंगे? बैठो।
बैठ। इसलिए बुलाया है कि तुझे बता दूं, दादू टैक्सी वाले को परी पैकर ने नहीं मारा, झूठा केस बना दिया है उसके ऊपर। किसने बनाया है? मेरा मतलब है मुदई कौन है? उसकी बीवी। गवाह कौन है? कोई नहीं, शक में नाम है उसका, सिर्फ उसका। तो मैं कह रहा था कि दादू को उसने नहीं मारा। दादू को उसी ने मारा है मियाँ जी। कहा ना, झूठ नहीं बोलता वो, ना मैं झूठ बोलता हूं। मार देता तो मैं थपकी देता उसके मोढ़े पर। उस दिन मेरे सामने मियाँ जी वो, उस दिन पुत्री दादू जिंदा था, इसलिए हम दोनों को लगता था कि उसे वही मारेगा। मैंने कहा ना, पहले वो पीर मक्की जाता है, फिर आके बताता है मुझे। ना वो पीर मक्की गया है, ना ही आके बताया है मुझे। कानून इन बातों को नहीं मानता मियाँ जी। तो किन बातों को मानता है? शक पर यकीन कर लेता है कानून। आप किसी तरह बेल करा लें उसकी, फिर मैं खुद तफ्तीश करता हूं। बेल हो जाएगी? तफ्तीशी कौन है? मिनिस्टर का आदमी है, बेल नहीं होने देगा। नाम बता। वही जो आया था रेड करने, अशफाक खान। खास परी पैकर के लिए पोस्टिंग हुई है उसकी। चल दो दिन दे मुझे। मेरे हाथ में कुछ नहीं है मियाँ जी, वो जिस दिन नजर आ गया पकड़ा जाएगा। आपसे भी गुजारिश है मियाँ जी कि आप कानून को अपने हाथ में ना लें। ऊपर तक बात गई है कि कामी नाम के किसी लड़के ने इंस्पेक्टर के सर पर पिस्तौल तान ली, उसे आपके सामने जमीन पर बिठाया और आपने उसे जान से मारने की धमकी दी। नाश्ता करेगा? नहीं मियाँ जी। चल फिर ड्यूटी कर। आप गुस्सा ना करें मियाँ जी, मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर है। मैंने उसको फोन करके रोका है कि वो आपके खिलाफ पर्चा ना दे। दोबारा फोन कर उसे, कह दे पर्चा। आप कैसी बातें कर रहे हैं मियाँ जी? अब जा, मेरे नाश्ते का टाइम हो गया।